नमस्कार दोस्तों, एल फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने पिछली ट्यूटोरियल देखी होगी जिसमें हमने बताया शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल उसी पर है, जो हम एल्बम डिजाइन में कटआउट्स यूज करते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि कटआउट्स कहाँ से लेते हो और कटआउट को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उसी के ऊपर आज की हमारी ट्यूटोरियल है। सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले गूगल में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च क्या करना है हमें, इंक स्प्लैश पीएनजी, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और यहाँ पर हमें एंटर करना है। ठीक है, एंटर के बाद हमें आना है इमेज में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने जो इंक स्प्लैटर पीएनजी है यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी जितने भी पीएनजी अवेलेबल है यहाँ पर, आपको पीएनजी के नीचे आपको पीएनजी नेम दिखा होगा, उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिंपली जो हेडलाइन है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने वराइटीज ऑफ इंक स्प्लैटर पीएनजी यहाँ पर आपको फ्री में और ऐसे ही रेडी मिल जाएंगे। तो मैं इसे सिंपली इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ अभी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग डाउनलोड, 5 सेकंड आपको रुकना है, उसके बाद आपका डाउनलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे पीएनजी है यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। इसे मैं अभी ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो आप, हमारे पीएनजी यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। इसे मैं अभी करता हूँ क्लोज। अभी इसी पीएनजी के नीचे आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे और अलग अलग पीएनजी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो मैं कुछ पीएनजी डाउनलोड करके आपको उस पर वर्क दिखाने वाला हूँ। सिंपली फ्री डाउनलोड में जाना है आपको। यहाँ पर हमारा डेली लिमिट जो है, फ्री वाला लिमिट है, वो खत्म हो गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर किसी और जीमेल आईडी से डाउनलोड कर सकते हो या फिर दूसरे दिन से डाउनलोड कर सकते हो। फिर से हम एक बार क्या करेंगे, अब आएंगे हम जो हमने गूगल पे सर्च किया था उसी पर आएंगे। इसे हम क्लोज करेंगे और यहाँ पर कुछ अलग वेबसाइट या अलग जगह पर हम ट्राई करेंगे। तो मैं अभी देख रहा हूँ, जो आपको पसंद आए उसे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपको पीएनजी मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो पीएनजी ट्री जो फ्री वाली वेबसाइट है, मिल सकते हैं आपको। इसे पहले से आप डाउनलोड करके रखना ताकि आपको आने वाले वर्क में इसका यूज़ हो सके। ऐसे और पीएनजी में 2-3 ऐड करता हूँ। यहाँ पर दिखा है फ्री डाउनलोड, सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर टाइम दिख रहा है 3 सेकंड का और हमारी पीएनजी यहाँ पर डाउनलोड हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोडिंग चालू है। आपको जो जितने पीएनजी आपको पसंद आए, जो आपको लगते हैं कि मेरे वर्क में यूजफुल है, उसे ही आप डाउनलोड करके रखो। अभी यहाँ पर मुझे और अलग पीएनजी नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूँगा, फिर इसे इसे मैं क्लोज करूँगा और जो हमारी पहले वाली सर्च पैनल था इसमें आऊँगा। ये वाला अभी मैं देखता हूँ, इसे भी इस लाइन पर मैं हेडलाइन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप फ्री ओरिजिनल पीएनजी डाउनलोड क्लोज करूँगा। सिंपली आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड आपका हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे पीएनजी है जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी ए वाला मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड हो चुका है हमारा पीएनजी। आपको यहाँ पर बहुत सारे पीएनजी मिल सकते हैं गूगल पे, जो हमने पहले सर्च किया इंक स्प्लैश पीएनजी, सिर्फ आपको यही। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सारे पीएनजीज आपको फ्री में अवेलेबल मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंक स्प्लैश ब्रश है, ये भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने 2-3 ही पीएनजी ले लिए है जिसको आपको मैं वर्क दिखाने वाला हूँ। सिंपली जाएंगे हम डाउनलोड में और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे अभी अभी पीएनजी डाउनलोड किए हैं वो सब यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे। सिंपली पीएनजी को ले लो और फोटोशॉप में आकर रख दो।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी PNG आ चुकी है। इसके बाद इसे कर दो एंटर और फिर से एक बार राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफ़र करना है और इसे एक कॉर्नर से उसकी साइज छोटी करनी है। सेंटर में ले और फिर से राइट क्लिक और इस PNG को हमें घुमाना है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोटेट करना है। कैसे भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसे मैं भी करता हूँ 90% में घुमाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप कौन सी भी साइज, ये वाली साइज चाहिए आपको या फिर ये वाली साइज चाहिए, आप दोनों साइज से इसे यूज कर सकते हो। इसकी साइज बढ़ा सकते हो या फिर इसकी साइज आपको कम चाहिए तो आप कम भी रख सकते हो। ठीक है, और इसके सिंपल हमें क्या करना है, अभी PNG को रास्टराइज लेयर करना है और इसे मैं अभी इसे कलर फिल करता हूँ, कंट्रोल बैकस्पेस, और यहाँ पर आपका फोटो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पर PNG मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली पहले इसकी साइज़ कम करो, थोड़ा सा घुमाओ और यहाँ पर अभी अल्ट प्रेस करके इसकी साइज़ बढ़ाओ, फिर से एक बार अल्ट प्रेस करो, साइज बढ़ाओ और एंटर कर दो। अब यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो क्रिएट क्लिपिंग मास्क के मदद से। इसके ऊपर भी आगे आगे ट्यूटोरियल आने वाले हैं तो मैं इस चीज़ को आगे बताऊंगा। अभी के लिए हमारी यही ट्यूटोरियल है कि ink/PNG कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया हमारी दूसरी वाली, अब क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली PNG उसे भी हम एक बार लेंगे। साइज़ में अभी इसकी बढ़ाता हूँ, तो पहले वाले PNG मैं अभी इसको हाइड करता हूँ। अभी सिंपली हमें क्या करना है, जो हमने ये वाली PNG ले ली इसको पहले रास्टराइज लेयर करेंगे। जो आपको इफेक्ट चाहिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं बीच वाला इफेक्ट लेता हूँ, इसे सिलेक्ट करना है आपको ऐसे, और Ctrl+J करना है आपको, Ctrl+J करना है और उसके नीचे वाली PNG को हमें हाइड करना है या फिर डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्री ट्रांसफ़र करके इसकी साइज़ बढ़ाएंगे, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर देखो ये जो बैकग्राउंड वाला टेक्स्ट दिख रहा है उसे हमें निकलना है या फिर गायब करना है। तो सिंपली क्या करना है, हमें Ctrl+U प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राइटनेस है उसे हम कम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा टेक्स्ट था यहाँ पर गायब हो चुका है और यहाँ पर आप फोटो ऐड कर सकते हो। सेम आपको राइट क्लिक करके 90° में रोटेट करना है। आप अपने हिसाब से कितना भी जूम कर सकते हो इतना करो, ठीक है, आपको थोड़ा कम चाहिए ठीक है, और आपको पूरी ही यूज करनी तो भी चलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको एंटर करना है और रेक्टेंगुलर टूल से इसे ये वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट करना है और सिंपल हमें Ctrl+Backspace करना है ताकि जो हमारी ये वाली PNG है वो रेडी हो चुकी है। देख सकते हो आप यहाँ पर, अगर आपने फिर से सिलेक्शन करके Ctrl+J किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं इसकी साइज़ अभी कम करता हूँ, तो कुछ इस तरह से हमारी जो ink/splash वाली PNG रेडी हो चुकी है, जो पहले वाली कुछ इस तरह से थी, जो हमने एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से रेडी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जिस साइज में चाहिए उस साइज में आप इसको अपने हिसाब से रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा PNG वाला वर्क। आप ऐसे बहुत सारे PNG डाउनलोड करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं यूज़ करता हूँ वही आपको चाहिए। यहाँ पर आपको गूगल में मेरे पास जो कटआउट है उससे ज़्यादा भी और बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, PNG लेने के बाद उसे 90° में रोटेट करना है या फिर अपने हिसाब से, यहाँ पर देखो कि मैनुअल आप इसे रोटेट कर सकते हो। अभी मैं कर रहा हूँ इसे सेम लाइन में इस तरह से। ठीक है, इसे मैं अभी इस साइड में लेता हूँ, एंटर करता हूँ, रास्टराइज लेयर, फिर से एक बार Ctrl+U करके लाइटनेस कम करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो अभी लाइटनेस हमारी पूरी ब्लैक हो चुकी है। जो हमारा पार्ट बाकी वाला ओपन दिख रहा है उसे मैं सिलेक्शन करूँगा, वही लेयर आपको सिलेक्ट करनी है और उसी लेयर पर जो खाली पार्ट है उसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक कलर है, सिंपली आपको Ctrl+Backspace कीज प्रेस करनी है,
यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो PNG यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हो गई PNG वाली बात, तो हम यही इफेक्ट मैनुअल में सीखेंगे। तो आप सिंपली क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये वाली जो PNG है उसे मैं अभी डिलीट करता हूँ। एक न्यू लेयर लेना है हमें इसे। यहाँ पर हमें लॉस्टर टूल में जाना है। लॉस्टर टूल को क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज है उसे हम करेंगे जूम। और आपको सिंपली आप अपने हिसाब से कैसे भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन करना है आपको सिंपल, और आपको सिर्फ यहाँ पर ज्वाइन करना है। मैंने जैसे किया वैसे। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सिलेक्शन हो गया है। फिर से एक बार कंट्रोल बैकस्पेस करना है हमें। ये देखो हमारी PNG जो हमने गूगल से डाउनलोड की थी वो आप मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लॉस्टर टूल से आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी और यूज कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जो हमारा पेन टूल है उसे राइट क्लिक करना है और फ्री पेन टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सिंपली वैसे ही करना है जैसे हमने लॉस्टर टूल में किया, सिंपली हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, जो आपके मन में आए वो डिजाइन आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। और सिंपली फिर इसे बाहर से जाना है हमें, जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था और लास्ट वाला पॉइंट है उसको आपको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप सिलेक्शन रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं करूँगा अभी इसको राइट क्लिक मिक्स सिलेक्शन, ओके करना है। फिदर 0 ही रखना है, ओके करना है। और सिंपली कंट्रोल एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों टूल से Inkspace PNG रेडी हो चुकी है। आपको गूगल से डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं यहाँ पर। और भी एक चीज आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये दोनों PNG मैंने अभी हाइड किए, ठीक है। यहाँ पर फिर से पेन टूल में जाना है और करो पेन टूल उसे सिलेक्ट करना है। और सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं अभी लेता हूँ स्टार्ट पॉइंट और यहाँ पर मैं अभी लेता हूँ सेकंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ अभी यहाँ पर थर्ड पॉइंट। तो आप अपने हिसाब से अपना पॉइंट है जो जिसे आप कर्व शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लेता हूँ अभी फोर्थ वाला पॉइंट। तो यहाँ पर देख लो आप दोस्तों कि किस तरह से पेन टूल के कर्व टूल के वजह से आपकी डिज़ाइन का जो PNG है वो कितने आसानी से रेडी हो रहा है। फिर से हमें नेक्स्ट वाला पॉइंट लेता हूँ और सिंपली बाहर लेता हूँ। फिर से यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी जो फर्स्ट वाला पॉइंट था और लास्ट वाला पॉइंट है इसे हमें ज्वाइन करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर आओ, राइट क्लिक करो, मिक्स सिलेक्शन करना है, ओके करो। और सिंपली यहाँ पर हमें न्यू लेयर लेनी है और कंट्रोल बैकस्पेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो करो वाला शेप से ये भी रेडी हो चुका है। आप अपने हिसाब से बहुत कुछ अलग अलग कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप इस तरह से अपना जो पॉइंट है उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। कलर फिल करता हूँ मैं। ये सिर्फ एग्जांपल था कि करो टूल से आप इस तरह भी आपके करो शेप है वो डिजाइन कर सकते हो। आपको जो शेप पसंद आता है वो आप यूज कर सकते हो, चाहे वो Inkspace PNG हो या फिर करो शेप हो, या फिर हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में बताया वैरायटीज ऑफ शेप्स वो भी आप यूज कर सकते हो। बस इतना सिंपल ही है। जो लोग मुझे पेज पर मैसेज करते हैं कि कटआउट कहाँ से लिया और उसे कैसे डाउनलोड किया, तो सिंपली यही प्रोसेस है कि कटआउट्स कैसे यूज करते हैं। गूगल से आप PNG लेकर यूज कर सकते हो या फिर आप खुद मैनुअली PNG बनाकर यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें फ्री में है और ना किसी से बाय करनी है हमें, ठीक है। तो ये सब चीज फ्री में है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि आपको आपका एल्बम डिजाइन कैसे करना है। इन सब PNG को आप यूज करके आपने आने वाले एल्बम में बहुत ग्रोथ ला सकते हो। और भी कुछ नया नया डिजाइन हो अपने दिमाग में तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो
पीएनजी वाली ट्यूटोरियल हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई। और जो आगे की ट्यूटोरियल है वो फोन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे यूज कर सकते हैं उस पर है, ठीक है। बस एक बात आपको बताता हूँ कि जो हमने आज की ट्यूटोरियल बनाई उसके आपको पीएनजी एक अलग से रेडी करके रखना है ताकि आपको हर बार क्रिएट ना करना पड़े। जब आप पीएनजी लेंगे तब उसको आप पीएनजी फॉर्म में सेव करके रखना है, हर बार आपको नए तरीके से डिजाइन नहीं करना है, इसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ऑलरेडी पहले से पीएनजी बनाकर रखेंगे ताकि अपना टाइम बहुत बच सके, ठीक है। तो आगे की ट्यूटोरियल हमारी है कि फ्री फंड कहाँ से डाउनलोड करते हैं और इसे एल्बम डिजाइन में कैसे किस तरह से यूज करते हैं, जो हमारी टेक्स्ट वाले पीएनजी रहते हैं। तो दोस्तों आज की ट्यूटोरियल आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और अपने दोस्तों को जो एल्बम डिजाइन बिगिनर से या फोटोशॉप बिगिनर से उनको जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक भी करना। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज़।